25 घंटे की मेहनत के बाद हमारी। नमस्कार खम्मा गणी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं हम लोग स्टे करने वाले हैं एक बंकर में। जैसा कि देख पा रहे हो, ये एक आर्मी का बंकर है पुराना, जो कि इसमें अभी कोई नहीं रहता है। तो मैं और धीरू आज अंदर चल के दिखाता हूँ मैं आपको, और मॉर्निंग में आपको और व्यू दिखा दूंगा। ये देख सकते हो, इस तरीके का बंकर है। हमने यहाँ पे थोड़ा साफ आप करके यहाँ पे तिरपाल बिछा है, यहाँ पे हम लोग टेंट लगाने वाले हैं, और ये हमारा चूल्हा रेडी हो चुका है। यहाँ पे थोड़ी सी मैगी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा टाइम लैप्स बनाता हूँ और इसमें यहाँ पे टेंट सेट करता हूँ, उसके बाद बाकी बातचीत कंटिन्यू करेंगे। आप क्या देख पा रहे हैं, हम चूल्हे पर लकड़ी जल रही है, धीरू भाई काम कर रहे हैं अपना मैगी बनाने की तैयारी में। तो क्या बना रहे मैगी, क्या कुछ और बना रहे हो? तो ये हमारे मैगी रेडी हो रही है, और यहाँ पे हम लोगों का टेंट लग चुका है, ये धीरू भाई का और ये मेरा है। और फिलहाल हम लोग यहाँ पे थोड़ा डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं, और फिलहाल के लिए हम जल्दी से मैगी रेडी करते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम बाहर के लिए बारिश भी स्टार्ट होगी, और फिलहाल हम लोग हैं एक बंकर में, जो कि मैंने पहले बताया, और यहाँ पे हमारी आग जल रही है, जो कि मैगी बनाने की कोशिश की जा रही है हमारी। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लाइटिंग सेट किया है, और हम लोग जल्दी से कुछ खाने के लिए मैगी बना लेते हैं, क्योंकि आग बहुत स्लोली जल रही है। तो बिना देरी के हम लोग मैगी बनाने की कोशिश करते हैं। गाइस देख रहे हो, पिछले एक घंटे से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, फाइनली हमने कोशिश की अपना मोजा जलाने की, कि शायद इससे हमारी आग जल जाए, लेकिन आग जलने का नाम नहीं लग रहा। इस आदमी को भूख इतना तेज लगा कि आज मोजा जला रहा, पिछले एक घंटे से आग जलाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी आग नहीं जल रही है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, इधर बारिश हो रही है, और इधर हमारा टेंट है दोनों का, जो कि बंकर में है, पहले भी बताया मैंने। और यहाँ पे आग जलाने की पिछले एक घंटे से लगातार नाकाम कोशिश की जा रही है इस आदमी के द्वारा, लेकिन हम होंगे कामयाब एक दिन। लगभग दो घंटे की नाकाम कोशिश के बाद आग नहीं जल रही, तो ध्रुव अभी भी कोशिश कर रहा है बाहर, और मैं थोड़ा सा अंदर आ गया, क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी ज़रूरी थी, आधा एडिट हो रखा वीडियो, और क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम आ रही, तो मुझे अभी एडिट करके उसे कंप्लीट करना होगा उस प्रोजेक्ट को, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट के काम करना है। तो जल्दी से मैं एडिटिंग पे लग जाता हूँ, अगर आग जल गई तो मैगी खाएंगे, नहीं तो बिस्किट और नमकीन है, उसी से आज रात को काम चलाना पड़ेगा। बहुत तेज़ की भूख लगी है, और लेकिन क्या कर सकते हैं, है ही नहीं कुछ यहाँ पे आसपास कुछ भी। हम लोग तो रुके बंकर में, और सुबह पूरा बंकर का टूर भी कराएंगे आपको, जो कि आर्मी का है, लेकिन अभी यूज़ में नहीं आता, खाली ये बंकर है। लोग यहाँ पे आते हैं आसपास के, जो पार्टी करते हैं, बियर पार्टी, कैंपिंग, सब लोग यहाँ आके करते हैं। तो सुबह अगर टाइम रहा तो मैं आपसे थोड़ी सी और बातचीत करूँगा, नहीं तो डायरेक्ट मिलता हूँ सुबह। 3 घंटे की मेहनत के बाद हमारी, देख सकते हो, ऐसे पकड़ पकड़ के मैगी रेडी की हमने, अब समझ नहीं सकते, अभी मेरे आँखों से पानी इतना निकला है धुएँ की वजह से, देख सकते हैं हम लोग कितनी ये आग बुझ गई, फिर से ये देख सकते हैं फिर से आग बुझ गई, हम इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे कितनी मेहनत लग रही हमें एक मैगी बनाने में। तो इस बात पे एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और जल्दी से मैगी बनने का वेट कर रहे हैं, खाते हैं, और थोड़ा सा आपको रिव्यू देंगे कैसी बनी मैगी हमारी। देख सकते हो पूरी काली हो गई है, आज पहली बार यूज़ कर रहे हैं हम लोग, फिर भी देख सकते हो हमारी मैगी हो चुकी रेडी, अब जल्दी से खाते हैं और फिर आपसे वापस बातचीत करते हैं। हम लोगों का मैगी हो चुका कम्प्लीट, यहाँ पे देख सकते हो हम लोग अब ये बिस्किट खा रहे हैं, जिसकी नाक बह रही है ये टिश्यू से अपनी नाक पोंछ रहा है, क्योंकि मैगी हम दो ही पैकेट बनाए थे, हमें डाउट था कि आग जलेगी कि नहीं जलेगी, लेकिन पेट नहीं भरा मेहनत भी की है यार, मेहनत की है लेकिन उतना फल नहीं मिला, फिर भी ठीक है, थोड़ा तो अंदर गया, कुछ ना कुछ खाली होने से बेहतर है, कुछ ना कुछ गया पेट के अंदर। हमारी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए, और उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए,
ताकि हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचती रहे। हम टेंट वेंट लगा के सो चुके थे लेकिन बारिश आने लगी तो यहाँ से अंदर पानी आ रहा था टेंट के अंदर, तो हमने ये थोड़ा सा हमारे पास पन्नी थी तो उसे जुगाड़ लगाया है और थोड़ा सा इस तरीके से बंद किया है। आपके बज रहे हैं 12 और आप बाहर हल्के की बारिश की साउंड सुन सकते हो, तो इसी वजह से हमने थोड़ा सा पहले ही जुगाड़ कर लिया था, अच्छा हुआ, नहीं तो अभी सारा सारा पानी अंदर आ जाता बंकर के अंदर और पूरा टेंट वगैरह गीला हो जाता, मतलब पूरा तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी हल्का सा ओस की जब वजह से जम जाता और पानी अंदर आ जाता, तो हमने पहले ही थोड़ा सा वो पॉलीथीन वगैरह लगा के जुगाड़ कर लिया था, तो इसलिए हम सेफ हैं। आप सुनिए, अगर आपको डाउट है तो थोड़ा सा सुन लीजिए और इसकी आवाज़, तो ये है कुछ इस तरीके का व्यू और इस तरीके की हमारी स्ट्रगल लाइफ। तो अभी के लिए गुड नाइट, कल सुबह मिलता हूँ और आपको आसपास का व्यू दिखाऊंगा और बंकर का जो ऊपर का व्यू है, अंदर का व्यू है, अच्छे से दिखाऊंगा। अभी नाइट है तो क्लियरली नहीं आया, आपने जैसा तैसा देखा होगा जैसे भी व्यू था, मिलता हूँ डायरेक्ट सुबह। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज की सुबह हमारी ऐसी हो रही है कि देख सकते हो ये मेरा टेंट है जो कि रात को पूरी तरीके से भीग चुका था, अंदर पानी बहुत तेज हवा चल रही थी और स्टॉर्म जैसा हो रखा था, तूफान आ रखा था, तो जैसे इस साइड की हवा थी तो इस खिड़की से मतलब रोशनदान से सारा सारा पानी यहाँ आ रहा, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे अभी भी आपको हल्का हल्का पानी दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे वो पूरा उधर लगा रखा था हमने, लेकिन इतनी तेज़ हवा थी कि वो उड़ के नीचे गिर गया। और बारिश में मैंने रात को कोशिश भी की थी लगाने की तो फिर नहीं हो पाया, तो मैंने अपना टेंट को समेटा इधर साइड में रखा और मैं भी घुस गया इस तरीके से धीरू के टेंट में, देख सकते हो इस तरीके से, इधर धीरू सोया था, इस जगह मैं सोया था। और फिलहाल चलता हूँ मैं आपको बाहर और इस बंकर का आपको बाहर से दिखा देता हूँ व्यू। तो ये इस तरीके का बंकर है, देख सकते हो वहाँ से ये जो एरिया है, रात को मैंने थोड़ी सी क्लिप आपको दिखाई थी, ये जो एरिया यहाँ से इतना तेज हवा आ रही थी, यहाँ से हमने क्लिप वगैरह लगा के अरेंजमेंट किया था लेकिन पत्थर भी उड़ गया, सब कुछ उड़ गए, पत्थर कहाँ गया, यहाँ तक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, देख सकते हो ये यहाँ पे आके गिरा, ये पत्थर था एक ऊपर था और दूसरा भी नहीं दिख रहा मेरे को कहीं पे भी, शायद ऊपर की तरफ कहीं गिरा होगा वो भी दिखाऊंगा। तो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक बंकर, और पहले हमने इसे पूरी तरीके से अच्छे साफ किया था, और अभी थोड़ा सा और व्यू दिखा देता हूँ मैं बंकर का, ये देख सकते हो ये आर्मी का कोई पुराना बंकर है जो अभी यूज़ में नहीं आ रहा, इसलिए लोग, ये हमारा डॉगी भैया है, हेलो डॉगी ब्राउनी हाय, देखो वो पहले से हमसे डर के भाग गया। तो ये देख सकते हो यहाँ से ये हमारा आपको अंदर दिख रहा होगा सामने टेंट, और ये इधर ये चीज़ यहाँ पे हमने कैंपिंग की थी, और मैं ऊपर चल के आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक पत्थर रखा था, शायद कहाँ गया, देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो पत्थर रखा था वो पता नहीं इतनी तेज़ हवा थी कि कहाँ उड़ के गिरा, ये भी नहीं दिखाई दे रहा अभी, तो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हो आप इतनी तेज़ हवा थी कि ये सब पत्थर भी उड़ गए। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ, आई होप आप सब लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्यारा सा लाइक कर देना, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस नए ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।